हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एके पोली। दोस्तों, हम सब बीएमई की स्टडी कर रहे हैं, जिसका आज चैप्टर नंबर हम लोग 7 की स्टडी करेंगे, जिसका नाम है बियरिंग्स, मतलब बियरिंग के बारे में। ओके दोस्तों, और जो है इससे पहले हम सब बीएमई के टोटल 6 चैप्टर कवर कर चुके हैं, ठीक है ना, जिसमें दोस्तों आज से जो है चैप्टर नंबर 7 की स्टडी करेंगे, जो कि मशीन कंपोनेंट से संबंधित चैप्टर है। और दोस्तों, इसे स्टार्ट करने से पहले हम सब जानेंगे कि चैप्टर 7 में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है ना। सबसे पहले इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक होता है। उससे हमें अंदाज़ा लगता है कि कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं, और उससे हमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहता है, ठीक है। और वो चीज़ हम लोग पूरे अच्छे वे में कवर करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सभी टॉपिक के बारे में स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, ताकि हम लोग इन्हीं टोटल देखिए, हमारा टोटल जो है 10 टॉपिक है, ठीक है ना, जिसमें दोस्तों ये शायद एक बार और लिखा गया, ठीक है ना। टोटल हमें 10 टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहला टॉपिक हम लोग ये पढ़ेंगे कि बियरिंग, मतलब बियरिंग होता क्या है, ओके। और ध्यान दीजिए, दूसरा टॉपिक हमारा ये बनता है कि बियरिंग के कार्य के बारे में, ठीक। दूसरा टॉपिक क्या पढ़ेंगे, बियरिंग के कार्य। उसके बाद तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे बियरिंग का वर्गीकरण के बारे में, ओके दोस्तों, कि बियरिंग के वर्गीकरण मतलब के प्रकार क्या क्या होते हैं, ठीक। और ध्यान दीजिए, चौथा टॉपिक पढ़ेंगे विभिन्न साधारण बियरिंग, ठीक है ना, मतलब विभिन्न प्रकार के जो साधारण बियरिंग होते हैं उनके प्रकार के बारे में देखेंगे, ओके। और ध्यान दीजिए, पांचवा टॉपिक हमारा ये रहेगा कि साधारण बियरिंग के लाभ, मतलब साधारण बियरिंग से जो है हमें लाभ क्या क्या होते हैं, ठीक है ना, उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद छठवां टॉपिक हमारा ये रहेगा कि साधारण बियरिंग के सीमाएं एवं अलाभ, ठीक है ना, कि मतलब साधारण बियरिंग के सीमा कहाँ तक होते हैं और उनके अलाभ मतलब हानियाँ क्या क्या होती हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये देखेंगे। और सातवां टॉपिक हम ये देखेंगे कि साधारण बियरिंग के, देखिए ये दोस्तों जो है दो बार लिखा गया है, देखिए यहाँ पर साधारण बियरिंग के लाभ और यहाँ पर भी साधारण बियरिंग के लाभ है, ठीक है ना, फिलहाल एक ही है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा सातवां टॉपिक ये बनेगा, ठीक है, कि बाल तथा रोलर बियरिंग में अंतर के बारे में, ठीक है, कि बाल तथा रोलर बियरिंग में अंतर क्या होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इस टॉपिक की स्टडी करेंगे। और जो है नवा टॉपिक हमारा ये बनता है कि विशिष्ट बियरिंग, मतलब विशिष्ट बियरिंग के अंतर्गत कई बियरिंग आते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिए, दसवां टॉपिक हमारा ये बनता है कि बाल तथा रोलर बियरिंग संबंधित प्रमुख बातों पे, ठीक है ना। देखिए इसके अंतर्गत भी, देखिए बाल तथा रोलर बियरिंग के संबंधित जो प्रमुख बातें हैं, ये भी कई प्रकार के उसमें बियरिंग आते हैं, ठीक है ना, उस बियरिंग को कई आधार पे देखा जाता है, ओके। तो ध्यान दीजिए, दसवां टॉपिक क्या पढ़ेंगे, बाल तथा रोलर बियरिंग संबंध में बातें पढ़ेंगे, ठीक है। और देखिए जो ग्यारहवां टॉपिक है उसे पढ़ेंगे, मतलब प्रमुख मशीनों के लिए बियरिंग के जीवन काल के बारे में। इसका कहने मतलब ये है कि मशीनों का जीवन काल कब तक होता है, ठीक है दोस्तों, उसके बारे में जो है दसवां टॉपिक पढ़ेंगे, प्रमुख मशीनों के लिए बियरिंग के जीवन काल के बारे में। दोस्तों ये जितने भी टॉपिक हैं हमारे, मतलब टोटल 10 ही टॉपिक हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक चीज दो बार लिखा गया है, ठीक है ना। इन 10 टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे एक अच्छे वे में। और जो है दोस्तों इसमें जितने भी मतलब टॉपिक हैं, ये सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, उसी एग्जाम की दृष्टि से ही हम आपके यहाँ पर टॉपिक बनाए हुए हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग एक अच्छे वे में कवर करेंगे। इसी प्रकार आपके देखिए एग्जाम में पूछता है, इसमें से कोई भी यदि इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो सेम के सेम जैसे हम यहाँ पर टॉपिक लिखे हैं इसी प्रकार से पूछता है, ठीक है ना। ऐसे पूछेगा प्रमुख मशीनों के लिए बियरिंग के जीवन काल बताइए, इस प्रकार से और पूछेगा बियरिंग के वर्गीकरण बताइए, या फिर बियरिंग साधारण बियरिंग मतलब विभिन्न साधारण बियरिंग बताइए क्या कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार पूछेगा बाल तथा रोलर बियरिंग संबंधित प्रमुख बातें बताइए, या फिर बाल तथा रोलर बियरिंग में अंतर बताइए। यही सभी टॉपिक यहाँ से बनते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल चिंता मत करिए दोस्तों। आप लोगों को टोटल हम आपके एग्जाम की दृष्टि से पूरी अच्छे तैयारी कराते जाएंगे, ओके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, बियरिंग। तो चलिए देखते हैं बियरिंग होती क्या है, ओके। तो चलिए इसे रफ करते हैं, और आपको दोस्तों जो है यहाँ पर लिख के भी और यहाँ तक कि समझा कर भी पूरा अच्छे से बताएंगे, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि दोस्तों थोड़ी सी समय हमारी भी बच जाती है और आप लोगों को भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं होता है। फिलहाल मान लीजिए यदि हम आपको बता भी रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक भी हो जाता है तो उससे भी थोड़ी गलती हो जाती है, ठीक है ना, इसलिए पहले लिख देंगे पूरा अच्छे वे में।
ताकि उसे समझा भी देंगे और अच्छे से आप लोग उसे नोट्स में उतार भी लीजिएगा। ओके, तो चलिए इसे रफ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं हम सब बियरिंग के बारे में, ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए कि बियरिंग जो होता है वो तो आप फिलहाल जानते हैं कि बियरिंग क्या है। एक चीज आपको पता है कि बियरिंग जो है ये मशीन कंपोनेंट्स है, मतलब मशीन का एक अंग है, ठीक है। इतना तो आप जानते हैं क्योंकि ये चैप्टर ही मशीन कंपोनेंट से संबंधित है, ठीक है। अब बियरिंग क्या होता है, मशीन का एक कंपोनेंट है, मतलब मशीन का एक अंग है, ठीक है। सबसे पहला चीज ये आप जानते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग जो है यहाँ पर डिफिनेशन के माध्यम से जो भी आपके बुक के तहत लिखा गया है इसे जो है अभी रुक कर देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसे समझने का प्रयास करेंगे कि बियरिंग होता क्या है, ठीक है ना। बियरिंग को जान लेंगे कि ये कहाँ पर उपयोग किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसके बारे में जान लेंगे तो हम सब जान लेंगे कि बियरिंग होता क्या है, ठीक। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहला चीज क्या बोलेंगे कि बियरिंग जो है एक मशीन का अंग होता है, ठीक है, जो मशीन अंगों के जो अन्य गति करने वाले अंग होते हैं, मतलब मशीन के जो अन्य जो गति करने वाले अंग होते हैं उनको जो होता है ये बियरिंग टेक प्रदान करता है और उन्हें जो है उसी माध्यम में गति करने भी देता है, ठीक है ना। इतना समझ पाए तो दोस्तों चलिए इसे जो है हम आपको डायग्राम के माध्यम से भी अच्छे समझाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, देखिए जैसे जो बियरिंग होता है ये क्या होता है दोस्तों, देखिए इसमें जो होता है, मान लीजिए जैसे बियरिंग है, बियरिंग इस प्रकार से होता है, देखिए ध्यान से, यही होता है बियरिंग, ठीक है, थोड़ा ऊपर करते हैं। देखिए दोस्तों ये होता है बियरिंग, ठीक, देखिए बियरिंग क्या होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें मशीन के जो गति करने वाले अंग होते हैं उन्हें इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। बियरिंग में क्या किया जाता है, जो मशीन के गति करने वाले अंग होते हैं उन्हें इसमें प्रयोग करते हैं। जैसे मशीन में गति करने वाला अंग क्या होता है दोस्तों, वो होता है शाफ्ट। क्या होता है मशीन का गति करने वाला, शाफ्ट होता है, ठीक है ना। जैसे शाफ्ट होता है, शाफ्ट को किस में प्रयोग करते हैं, तो बियरिंग में प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए बियरिंग है, देखिए, और ये बियरिंग इसमें शाफ्ट में क्या करता है, मतलब जो शाफ्ट मशीन का जो गतिमान अंग है इसको क्या करता है, ये जो बियरिंग है, बियरिंग शाफ्ट को देखिए टेक प्रदान करता है, ताकि ये जो बियरिंग है ये ऊपर नीचे ना हो और ना ही चलते समय ये, मतलब देखिए जब बियरिंग रहेगा इसके ऊपर नीचे, मतलब उसके बीच में ये शिफ्ट की जाती है जो शाफ्ट होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो शाफ्ट है ऊपर नीचे नहीं होता है, मतलब अस्थायी रूप से एक जगह रहता है, ठीक है ना। और वो उसी जगह पर गति भी, ये बियरिंग जो है इसे सामान्यतः इसी रूप में, मतलब अपने अस्थायी रूप में इसे गति भी करने देता है, ठीक है ना, और इसे टेक भी प्रदान करता है। बोलिए इतना समझ पाए, यही होता है दोस्तों बियरिंग, ठीक है ना। तो देखिए डिफिनेशन के माध्यम से भी सेम यही चीजें लिखी गई हैं, ठीक है, ध्यान देने की कोशिश कीजिए। देखिए समझिए, किसी मशीन का वह अंग, ठीक है, किसी मशीन का वह अंग जो इसके गतिमान भागों को, जो इसके गतिमान भागों को टेक देने के साथ साथ सीमित रूप से गति में भी रहने देता है, ठीक है, वही बियरिंग कहलाता है, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिए क्या बताए, कि देखिए यही बताया ना यहाँ पर आपको, कि मशीन का वह अंग जो मशीन के अन्य अंगों को, जो गतिमान अंग होते हैं, ठीक है ना, मशीन के गतिमान अंगों को टेक देने के साथ साथ उन्हें सीमित रूप से गति भी करने देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बियरिंग कहते हैं। बोलिए समझ पाए इतना, अब ध्यान दीजिए। अब देखिए एक टॉपिक और इसमें यह बनता है कि जो साधारण सरल रेखी गति करने वाले बियरिंग होते हैं, ठीक है, देखिए साधारण सरल रेखी गति करने वाले भागों को, ठीक है ना, सहारने के लिए प्रयोग किए गए बियरिंग को स्लाइड गाइड या फिर मार्ग भी कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है, कि मतलब साधारण जो सरल रेखी गति करने वाले जो भाग होते हैं ये, ठीक है ना, मतलब जो साधारण सरल रेखी गति करने वाले भाग होते हैं मशीन के, उनको सहारने के लिए जिस बियरिंग का उपयोग किया जाता है उन्हें हम स्लाइड गाइड या फिर मार्ग कहते हैं। बोलिए इतना समझ पाए। अब चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं बियरिंग के कार्य के बारे में, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए बियरिंग के कार्य होता क्या क्या है, ठीक। देखिए यहाँ से आपको इससे भी पता चल गया वैसे फिलहाल कि क्या क्या कार्य होते हैं, लेकिन फिलहाल देखिए यहाँ पर, देखिए बियरिंग के कार्य, पहला इसमें यह है मशीन के घुमाव गति करने वाले अंगों को टेक प्रदान करना होता है, ठीक है। पहला क्या बोलेंगे, मशीन के घुमाव गति करने वाले अंगों को टेक प्रदान करना होता है, और
देखिए सापेक्ष गति करने के दौरान न्यूनतम घर्षण उत्पन्न करना होता है, ठीक है ना। देखिए जो बियरिंग होता है ना, इसमें जो गतिमान अनुप्रयोग किए जाते हैं उसमें ये जो होता है बियरिंग की सहायता से इसमें जो घर्षण का मान होता है वो कम होता है, ठीक है ना। इसमें घर्षण बहुत ही कम उत्पन्न होता है, ठीक है ना, बियरिंग के प्रयोग द्वारा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो होता है ना, ये बियरिंग जो होता है और ये जो गतिमान अंग होते हैं जैसे शाफ्ट है, ठीक है ना। देखिए बियरिंग और गतिमान अंग जो होते हैं इसे आप लोग जानते हैं बियरिंग होता है, ठीक है ना, ये तो आपको बता ही रहे हैं फिलहाल। देखिए और ये क्या होता है, ये शाफ्ट होता है, आपको समझाने के लिए कोई डायग्राम बनाया है, ठीक है ना। देखिए ये जो बियरिंग होता है और ये शाफ्ट होता है, यदि ये एक साथ मतलब जुड़े होते हैं तो ये जो शाफ्ट है मतलब गतिमान अंग है ये क्या, ये गति नहीं कर पाता, ठीक है ना। यदि ये पूरा कवर रहता मतलब चिपका रहता इसमें, ठीक है ना, तो ये क्या होता, ये गति नहीं कर पाता। इसका मतलब ये है कि इसमें जो होता है उस गतिमान शाफ्ट मतलब गतिमान अंग के लिए होल होता है इसके बीच में, ठीक है ना, बियरिंग के बीच में होल होता होगा, तभी तो ये अस्थायी रूप से इसे टेक भी प्रदान कर लेता है और इसे जो है घूमने में भी सहायता करता है, ठीक है दोस्तों। तो यही चीज है, इसीलिए क्या है इसमें ये सटा नहीं रहता, इसलिए इसमें क्या होता है घर्षण उत्पन्न नहीं होगा। जब दो चीजें आपस में सटी हुई होती हैं तभी उसमें घर्षण उत्पन्न होता है, ठीक है ना, इतना तो आप जानते हैं। तो ध्यान दीजिए यही चीज कहा जा रहा है, सापेक्ष गति करने के दौरान न्यूनतम घर्षण उत्पन्न करना, ठीक है दोस्तों, मतलब कम घर्षण उत्पन्न करना होता है, ठीक है। और ध्यान दीजिए मशीनी अवयव का घिसाव या टूट फूट न्यूनतम करना होता है, मतलब इस बियरिंग के द्वारा क्या होता है मशीन के जो अवयव होते हैं मतलब मशीन के जो भाग होते हैं, ठीक है, मतलब अंग जो होते हैं उनका घिसाव या टूट फूट जो है न्यूनतम होता है। देखिए टूट फूट होगा नहीं क्योंकि ये जो होता है ये टेक प्रदान किए होता है, जो गतिमान अंग है वो नीचे गिरेंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इस टेक में वो वहीं पर अपने स्थायी रूप से इसीलिए बने रहते हैं इस टेक के कारण ही बियरिंग के, ठीक है ना। वही कहा जा रहा है कि मशीनी अवयव का घिसाव या टूट फूट न्यूनतम करना, ठीक है ना, मतलब कम करना होता है बियरिंग के द्वारा। तो ये इतना होता है दोस्तों बियरिंग के कारण, आई होप आप इसे समझ पाए होंगे कि बियरिंग के क्या क्या कार्य होते हैं और बियरिंग होता क्या है, ठीक है। तो दोस्तों इसे चाहे तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, तो चलिए दोस्तों इसे स्क्रीन शॉट लीजिए ताकि इसे रफ करें। और अब हम सब देखेंगे ये कि बियरिंग के क्या देखेंगे, वर्गीकरण के बारे में, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ बियरिंग के बारे में, ओके दोस्तों। तो चलिए इसे रफ करते हैं, तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम सब बियरिंग के वर्गीकरण के बारे में, ओके। तो चलिए ध्यान देखिए, देखिए बियरिंग को जो है दो भागों में सामान्यतः बांटा गया है, तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम सब बियरिंग के वर्गीकरण के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए जो बियरिंग है इसको जो है मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। जो सबसे पहला है वो है टेके गए बलों के आधार पर बांटा गया है, ठीक है, पहला क्या टेके गए बलों के आधार पर बांटा गया है बियरिंग को, और दूसरे नंबर पे जो है घर्षण के आधार पर बांटा गया है, ठीक है ना, बियरिंग को। तो ध्यान दीजिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं टेके गए बलों के आधार पर बियरिंग को, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए टेके गए बलों के आधार पर बियरिंग को टोटल चार भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है त्रिज्या या रेडियल बियरिंग, ठीक है, पहला क्या है त्रिज्या या रेडियल बियरिंग, उसके बाद दूसरा है फुट स्टेप या पिवट बियरिंग, ठीक है, फुट स्टेप या पिवट बियरिंग, ठीक, और ध्यान दीजिए तीसरा है थ्रस्ट या नॉड या कॉलर बियरिंग है, ठीक है दोस्तों, इनको तीन नामों जानते हैं, थ्रस्ट या नॉड या फिर कॉलर बियरिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, ये होता है। और ध्यान दीजिए चौथा होता है गाइड या फिर स्लीपर या संपर्क बियरिंग, इसे भी तीन नाम से जानते हैं, गाइड भी पूछ सकता है एग्जाम में आपको, स्लीपर भी या फिर संपर्क बियरिंग भी कह सकता है, ठीक है ना, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या इसे कहते हैं, ओके दोस्तों। तो ध्यान दीजिए अब देख लेते हैं हम सब दूसरा नंबर मतलब घर्षण के आधार पर बियरिंग को, ठीक है। देखिए इसके आधार पर दो प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है साधारण बियरिंग, ठीक है, और दूसरा होता है रोलिंग अवयव बियरिंग, ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या आता है रोलिंग अवयव बियरिंग, ठीक, और रोलिंग अवयव बियरिंग के आधार पर दो प्रकार के और बियरिंग होते हैं, ठीक है, जिसमें पहला होता है बाल बियरिंग और दूसरा होता है रोलर बियरिंग, ठीक है दोस्तों। और जो ये रोलिंग अवयव बियरिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, ठीक है ना, इसमें जो बाल बियरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है और रोलर बियरिंग भी, इसके अंतर भी बहुत अच्छा नंबर पूछता है, ठीक है, और इनको भी वैसे पूछता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, तो चलिए
अब जो है हम सब स्टेप बाय स्टेप करके बियरिंग के सभी प्रकारों को अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, चलिए स्टडी करते हैं। सबसे पहला क्या देखेंगे, टेके गए बलों के आधार पर बियरिंग को, ठीक है, जिसमें सबसे पहला त्रिज्या रेडियल बियरिंग को देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसे रफ करते हैं और उसे देख लेते हैं, ओके। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं टेको के बलों के आधार पर बियरिंग के प्रकार के बारे में, ओके। तो ध्यान दीजिए, उसके आधार पर जो है टेको के बलों के आधार पर टोटल चार प्रकार के बियरिंग होते हैं। देखिए चारों यहाँ पर लिखे गए हैं, ठीक है ना, जिसमें सबसे पहला होता है त्रिज्या या रेडियल बियरिंग, ओके। तो ध्यान दीजिए, त्रिज्या या रेडियल बियरिंग कहते किसे हैं, ठीक। देखिए ये घुमाव अक्ष के लंबवत बलों को सहारने का कार्य करता है, जो त्रिज्या या रेडियल बियरिंग होता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, ये घुमाव अक्ष के लंबवत बलों को सहारती है, ठीक है दोस्तों। अब हम इसे देखेंगे कैसे कि किस प्रकार ये जो है घुमाव अक्ष के लंबवत बलों को सहारती है, ठीक है ना। इसको चलिए डायग्राम के माध्यम से आपको बताते हैं कि किस प्रकार जो है त्रिज्या रेडियल बियरिंग वहां पर उपयोग होती है, ठीक है ना, जो घुमाव अक्ष के लंबवत बल को सहारने का कार्य करती है, ओके। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर दोस्तों, देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जानते हैं बियरिंग के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बियरिंग बनाएंगे, देखिए मान लीजिए ये क्या हो गया दोस्तों, बियरिंग, ठीक है। और आप जानते हैं बियरिंग में मशीन के गतिमान अंग प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर मशीन के गतिमान अंग क्या होगा, शाफ्ट मान लीजिए, ठीक है ना। क्या है गतिमान अंग, अंग शाफ्ट होगा ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हो गया शाफ्ट, देखिए शाफ्ट को यहाँ पर बना दीजिए, शाफ्ट हो गया दोस्तों। अब ध्यान दीजिए ये क्या है, ये बियरिंग है पहली बार, इतना तो आप जानते हैं ये बियरिंग है, ठीक है ना, ये होता है बियरिंग, ठीक। और ये क्या है, ये होता है शाफ्ट, शाफ्ट इसे कहेंगे बियरिंग, बियरिंग, ठीक है। और ध्यान दीजिए दोस्तों, और ये क्या होता है, इसी को कहते हैं शाफ्ट अक्ष कहते हैं, शाफ्ट अक्ष, ठीक है। इस प्रकार से यदि आपके एग्जाम में आता है तो आप डायग्राम जरूर बनाइएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए ये क्या हुआ, शाफ्ट अक्ष हो गया। उसके बाद देखिए, अब देखिए इसमें जो है त्रिज्या या रेडियल बियरिंग किस प्रकार प्रयोग करेंगे, ओके। तो ध्यान दीजिए, त्रिज्या या रेडियल बियरिंग जो होता है ये देखिए, ये घुमाव अक्ष के लंबवत बल को सहारती है। देखिए ये घुमाव अक्ष है ना, ये देखिए ये क्या है, ये घुमाव अक्ष है, ठीक है ना। ये देखिए ये घुमाव अक्ष है, घुमाव अक्ष को क्या कहता है, लंबवत बल को सहारती है, मतलब लंबवत यहाँ से जैसे इस प्रकार से लंबवत, ठीक है ना, मतलब लंबवत बल को क्या कहती है, सहारने का कार्य करती है, ठीक है दोस्तों। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को जो है हम बोलेंगे त्रिज्या पर बल, ठीक है ना, त्रिज्या पर बल बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्या पर बल या फिर रेडियल पर बल बोलेंगे, ठीक है ना। यही चीज होता है यहाँ पर, यही मेन होता है जो त्रिज्या या रेडियल बियरिंग में ये जो बल होता है, ठीक है ना। देखिए ये जो है लंब रूप से घुमाव अक्ष के लंब रूप में ये बल को सहारती है, ठीक है, बोलिए इतना समझ पाए। तो दोस्तों यही डायग्राम आप बनाएगा यदि आता है आपके एग्जाम में कि बियरिंग के प्रकार के बारे में, तो त्रिज्या रेडियल बियरिंग का डायग्राम इस प्रकार आप बना दीजिएगा, ओके। तो चलिए अब देख लेते हैं दूसरा जो प्रकार है, फुट स्टेप या पिवट बियरिंग के बारे में, ओके। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो होता है फुट स्टेप या पिवट बियरिंग, देखिए ये घुमाव अक्ष के, ये घुमाव अक्ष की दिशा में बल को सहारती है, ठीक है। ये क्या करती है, ये घुमाव अक्ष की दिशा में, ठीक है ना, बल्कि त्रिज्या वाला क्या था, ये घुमाव अक्ष के लंबवत बल को सहारती है, ठीक है ना, बट इसमें ये घुमाव अक्ष की दिशा में बल को सहारती है, तथा ये तथा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, तथा शाफ्ट का एक सिरा बियरिंग के अंदर होता है, ठीक है दोस्तों। क्या, शाफ्ट का एक सिरा बियरिंग के अंदर होता है, ठीक है। इसको भी चलिए डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार का ये पिवट बियरिंग बनेगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए एक चीज, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है, ये घुमाव अक्ष के दिशा के बल को सहारती है, और जो है ये शाफ्ट का, जिसमें शाफ्ट का एक सिरा अंदर की ओर होता है, ठीक है ना, अंदर बियरिंग में होता है, ठीक है ना। देखिए शाफ्ट का एक सिरा बियरिंग के अंदर होता है, बोले इतना समझ पाए। तो चलिए दोस्तों इसे हम जो रफ करते हैं और यहाँ पर इसका डायग्राम बता देते हैं, ओके ना। तो ध्यान दीजिए,
तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम लोग दूसरा बियरिंग का प्रकार, ठीक है, जो है फुट स्टेप या पिवट बियरिंग, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये घुमाव अक्ष की दिशा में बल को सहारते हैं तथा शाफ्ट का एक सिरा बियरिंग के अंदर होता है, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिए कि ये जो है ये घुमाव अक्ष की दिशा में, देखिए ये घुमाव अक्ष की दिशा में बल को सहारती है, ठीक है। बट जो त्रिज्या वाला था उसमें क्या था, ये घुमाव अक्ष के लंबवत दिशा में बल को सहारती थी, ठीक है ना। इसमें क्या अंतर है कि ये घुमाव अक्ष की दिशा में बल को सहारती है, ठीक है ना। तथा शाफ्ट का एक सिरा जो होता है वो बियरिंग के अंदर होता है। ओके दोस्तों, बोलिए इतना समझ पाए। तो चलिए इसे जो हम डायग्राम के माध्यम से भी आपको अच्छे से बताते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग जानते हैं बियरिंग का प्रकार पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बियरिंग बनाएंगे ना। ध्यान दीजिए, इसका जो बियरिंग होता है दोस्तों इस प्रकार से बनेगा, ऐसे रहेगा, थोड़ा ऐसे करके ऐसे बनाएंगे, थोड़ा जगह कम है दोस्तों, ठीक है ना, थोड़ा छोटा हम बनाते हैं, ऐसे करेंगे, देखिए ऐसे करके ऐसे बनाएंगे, ठीक है। जिसमें क्या होता है, इसमें जो होता है जानते हैं बियरिंग में क्या होता है, मशीन का गतिमान प्रयोग किया जाता है, मतलब साफ प्रयोग किया जाता है, साफ देखिए साफ प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर ऐसे कर देंगे, ठीक है ना, जिसको यहाँ पर साफ बना दीजिए। और साफ कैसा बनेगा, देखिए साफ का एक सिरा क्या होता है, बियरिंग के अंदर होता है, तो बियरिंग के अंदर एक साफ कर देंगे, ठीक है ना, साफ का एक सिरा। ध्यान दीजिए, और यहाँ पर क्या होगा, साफ अक्ष बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, साफ अक्ष, साफ्ट अक्ष, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, साफ्ट बोलते हैं, इतना तो आप जानते हैं। और ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है बियरिंग, ठीक है ना, ये क्या होता है, बियरिंग होता है, इसे बोलते हैं बियरिंग, ठीक है। और ध्यान दीजिए, इसमें जो है, इसमें जो बल लगता है, ठीक है ना, साफ पर जो बल कार्य करता है, इसी को बोलते हैं यहाँ पर साफ्ट पर बल, साफ्ट पर बल बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें जो होता है पीवेट बियरिंग में क्या होता है, साफ्ट पर बल लगता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, पीवेट बियरिंग यहाँ पर फुट स्टेप में क्या होता है, साफ्ट पर बल लगता है यहाँ पर, ठीक है ना। वही चीज बताया गया है, ये घुमाव अक्ष की दिशा में बल को सहारती है, मतलब घुमाव अक्ष है ना, देखिए ये घुमाव अक्ष है, घुमाव अक्ष की, देखिए मतलब साफ्ट का अक्ष जो है यही घूमता है ना। ध्यान दीजिए, जो घुमाव अक्ष की दिशा में बल लगता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, देखिए तो इस प्रकार से लगेगा, ठीक है, घुमाव अक्ष की दिशा में बल को सहारती है, इसीलिए यहाँ पर इस तरह से बल लगा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तथा साफ का एक सिरा बियरिंग के अंदर होता है, ये भी यहाँ पर बन गया ना। आई होप दोस्तों आपको ये भी अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए इसका यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा आप लोग कि फुट स्टेप या पिवट बियरिंग है, ठीक है ना। तो चलिए इसे भी जो है हम लोग रख करते हैं। अब देख लेते हैं तीसरा प्रकार जो है थ्रस्ट या कॉलर बियरिंग, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं अपना तीसरा प्रकार जो है थ्रस्ट या कॉलर बियरिंग, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, थ्रस्ट या कॉलर बियरिंग कहते किससे हैं पहले, देखिए ये भी घुमाव अक्ष की दिशा में ही बल को सहारती है, ठीक है ना। जिस प्रकार फुट स्टेप सहारता है, उसी प्रकार ये भी घुमाव अक्ष की दिशा में ही बल को सहारता है, ठीक है। बट ये क्या है, शाफ्ट का इसमें एक सिरा बियरिंग के बाहर होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता था, इसमें जो होता था कि बियरिंग का एक सिरा अंदर होता था, ठीक है ना, बियरिंग मतलब शाफ्ट का एक सिरा बियरिंग के अंदर होता था, ओके। लेकिन थ्रस्ट या कॉलर बियरिंग क्या होता है, इसमें शाफ्ट का एक सिरा बियरिंग के बाहर होता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी घुमाव अक्ष की दिशा में बल को सहारती है, तथा शाफ्ट का सिरा जो होता है बियरिंग के बाहर होता है, ठीक है ना। शाफ्ट का सिरा मतलब दोनों सिरे क्या होंगे, बियरिंग के बाहर होंगे, ओके दोस्तों। तो चलिए इसे भी डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर पहले बियरिंग बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर भी बियरिंग बनाएंगे, ठीक है, ऐसे इस प्रकार से बियरिंग बनाएंगे, ठीक है। देखिए इस प्रकार से बियरिंग बना लेंगे, थ्रस्ट या कॉलर बियरिंग, ठीक है ना। जिसमें क्या करेंगे, पहले शाफ्ट को पिरो देंगे, देखिए किस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से यहाँ पर शाफ्ट बनाएंगे,
देखिए ये हो गया सॉफ्ट, ठीक है दोस्तों, जिसको यहाँ पर ये क्या होता है, यहाँ पर कॉलर लगाया जाता है जिसके द्वारा ये सॉफ्ट क्या है मतलब खसके ना, ठीक है ना, इसी की वजह से यहाँ पर क्या लगा है कॉलर लगाया जाता है जिसकी वजह से यह स्थायी हो जाता है इसी पे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा इसको बोलते हैं क्या कॉलर, यहाँ पर लिख देते हैं कॉलर, ठीक है ना। क्या होता है दोस्तों ये कॉलर हो जाता है और यहाँ पर क्या होता है सॉफ्ट अक्ष होता है, सॉफ्ट अक्ष होता है, ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं तो सॉफ्ट बोलते हैं, और ये क्या होता है यही होता है बियरिंग, बियरिंग ये होता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पर बियरिंग होता है, ठीक है ना, इस प्रकार से बना दीजिएगा, ये होता है बियरिंग, ठीक है दोस्तों, इसे लिख देंगे बियरिंग, बियरिंग। और इस पे जो होता है दोस्तों इसके सॉफ्ट पर जो है जुबल होता है वो इस प्रकार से कार्य करता है, देखिए इस प्रकार से कार्य करता है, यहाँ पर ऐसे बना दीजिए, ये जो ऐसे कार्य करता है, ठीक है ना, इस प्रकार से कार्य करेगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं सॉफ्ट पर बियर, सॉफ्ट पर दाब, ठीक है ना, या फिर सॉफ्ट पर बल बोलेंगे या फिर सॉफ्ट पर दाब बोल देंगे, ठीक है ना दोस्तों, यही चीज होता है यहाँ पर, सॉफ्ट पर दाब यहाँ पर लगता है सॉफ्ट पर, ठीक है ना। बोलिए इतना समझ पाए तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बियरिंग बनाएंगे जिसमें सॉफ्ट लगा देंगे और सॉफ्ट को यहाँ पर कस देंगे किससे कॉलर से, ठीक है, ताकि ये खसके ना, ठीक है ना, और ध्यान दीजिए और ये क्या होता है बियरिंग, सबका नाम दिखा देंगे, और यहाँ पर जो है दाब कहाँ पर लगता है सॉफ्ट पर दाब लगता है इस प्रकार से, ठीक है ना, ऐसे दाब लगता है, ओके। तो बोलिए इतना समझ पाए दोस्तों, और ध्यान दीजिए देखिए यहाँ पर क्या है सॉफ्ट का दोनों सिरा बाहर निकला हुआ है, ठीक है ना, ये कह रहा है ना कि सॉफ्ट का सिरा बियरिंग से बाहर होता है, ठीक है, तो वही चीज बना है, ठीक। तो दोस्तों आज लोग आप ये भी समझ गए होंगे, इसको यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा कि थ्रस्ट या कॉलर बियरिंग यहाँ पर, ठीक है ना, नीचे। तो दोस्तों चलिए इसे भी रफ करते हैं और देख लेते हैं चौथा प्रकार जो है गाइड या फिर स्लीपर बियरिंग, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं अपना चौथा जो कि लास्ट बियरिंग का प्रकार है ये, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए गाइड या फिर स्लीपर बियरिंग, ठीक, तो ध्यान दीजिए इसका मुख्य कार्य जो होता है मशीन के चल अंगों को गाइड करने के लिए होता है, ठीक है ना, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये जो होता है इसका मुख्य कार्य मशीन के चल अंगों के गाइड करने के लिए इसका मुख्य कार्य होता है, और गाइड अंगों को सहारने के लिए आवश्यक तल भी प्रदान करती है जो ये गाइड या फिर स्लीपर बियरिंग होती है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कैसे इसका भी डायग्राम को हम लोग देखेंगे और उसके माध्यम से समझेंगे किस प्रकार ये क्या करता है कि गाइड अंगों को सहारने के लिए आवश्यक तल प्रदान किस प्रकार करता है, ठीक है ना, उसको देखेंगे डायग्राम के माध्यम से, ओके। तो बोलिए यहाँ पर ये समझ पाए कि इसका मुख्य कार्य मशीन के अंगों को गाइड करने में होता है, ठीक है, और गाइड अंगों को सहारने के लिए आवश्यक तल भी प्रदान करते हैं, इतना समझ पाए। तो चलिए दोस्तों इसके डायग्राम को अब देख लेते हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिए देखिए सबसे पहले इसमें जो होता है दो गाइड लगे होते हैं, ठीक है ना, ऊपर और नीचे इस प्रकार से दो गाइड लगे होते हैं, ठीक है, ये क्या होता है यही गाइड होता है जो रेखांकित है, इसे क्या बोलते हैं गाइड, ध्यान दीजिए ये क्या होता है इसे बोलेंगे गाइड, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे गाइड, बोले इतना समझ पाए। और ध्यान दीजिए ये होता है गाइड, और ये जो पार्ट होता है ये जो जिसपे ये रेखांकित बना हुआ है, ठीक है ना, इसे बोलते हैं गाइड तल, गाइड तल बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं गाइड तल, गाइड तल, ठीक है ना, ये क्या होता है ये गाइड तल होता है। और ध्यान दीजिए इसके बीच में जो है दोस्तों यहाँ पर क्रॉस हेड ब्लॉक लगा होता है, ठीक है ना, जो इस प्रकार से होता है, देखिए ऐसे रहेगा ऐसे करके, ठीक है, थोड़ा और इसे बड़ा कर लीजिए ऐसे यहाँ पर, ठीक है ना, ध्यान दीजिए ऐसे होता है ऐसे यहाँ से इस प्रकार से होता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए ये इस प्रकार से होगा, ठीक है, देखिए इसी को बोलते हैं इस भाग को क्रॉस हेड ब्लॉक, क्रॉस हेड ब्लॉक, बोलिए इतना समझ पाए दोस्तों। तो यही चीज इसमें बनेगा डायग्राम, यही सेम रहेगा इसका, सबसे पहले क्या करेंगे इसमें दो गाइड बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा ये जो क्रॉस होता है इसी को गाइड बोलते हैं, उसके बाद
वो भी किस पे गाइड बनाएंगे, गाइड तल पे, ये जो गाइड तल होता है ये, ठीक है ना, जिस पे गाइड बना होता है इसे गाइड तल कहते हैं, और इसके ऊपर रेखांकित मतलब गाइड बना देंगे, और ध्यान दीजिए इसके बीच में जो है क्रॉस हेड ब्लॉक बना देंगे, ठीक है। ये जो क्रॉस हेड ब्लॉक होता है इसका मतलब उदाहरण होता है मतलब गाइड या फिर स्लीपर बियरिंग का, ठीक है ना। ये क्रॉस हेड ब्लॉक इसका क्या होता है, उदाहरण होता है, ठीक है ना, जो कि इंजन में मतलब भाप वाले इंजन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। जो क्रॉस हेड ब्लॉक होता है भाप वाले इंजन में, इतना ध्यान दीजिएगा, इसका उदाहरण मान लीजिएगा, इसका उदाहरण क्या होता है, क्रॉस हेड ब्लॉक होता है जो कि भाप इंजन में प्रयोग किया जाता है। बोले इतना समझता है, तो चलिए इसे भी जो है हम सब अब रफ करते हैं, और जो है अब देख लेते हैं घर्षण के आधार पर बियरिंग के प्रकार। ओके, तो चलिए इसे रफ करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम सब देख लेते हैं घर्षण के आधार पर बियरिंग के प्रकार को, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा इसके आधार पर टोटल दो प्रकार के बियरिंग होते हैं, सबसे पहला साधारण या प्लेन बियरिंग होता है, और दूसरा जो होता है रोलिंग एलिमेंट या एंटी फ्रिक्शन बियरिंग होता है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, और जो रोलिंग एलिमेंट या फिर एंटी फ्रिक्शन बियरिंग होता है इसके आधार पर दो प्रकार के बियरिंग होते हैं, पहला रोलर बियरिंग होता है, दूसरा बाल बियरिंग होता है, ठीक है ना। उसे जो है इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अभी देख लेते हैं साधारण या फिर प्लेन बियरिंग के बारे में। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए दोस्तों इसके अंतर्गत मशीन के, ठीक है, साधारण बियरिंग के अंतर्गत जो है मशीन के चल भाग तथा बियरिंग के बीच स्लाइडिंग घर्षण होता है, ठीक है ना। क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिए, इसके अंतर्गत मशीन के जो चल भाग होते हैं मतलब शाफ्ट जैसे होता है, शाफ्ट जो होता है तथा बियरिंग के बीच, ठीक है, मतलब शाफ्ट तथा बियरिंग के बीच जो होता है स्लाइडिंग घर्षण होता है, ठीक है ना। जब मतलब वो गतिमान भाग चलता है, ठीक है, मतलब शाफ्ट जब चलता है तो बियरिंग के बीच क्या होता है, उन दोनों के बीच में स्लाइडिंग घर्षण होता है तथा इसमें सतह संपर्क होता है, ठीक है ना। इसी के कारण क्या होता है, सतह संपर्क होता है, मतलब जब सतह आपस में संपर्क करने लगते हैं तभी उसमें क्या होगा, घर्षण भी उत्पन्न होगा। तो वही चीज बताया जा रहा है कि इसके अंतर्गत मशीन के चल भाग तथा बियरिंग के बीच स्लाइडिंग घर्षण होता है क्योंकि इसमें सतह संपर्क होता है, ठीक है ना, यही चीज है। बोलिए इतना समझ पाए। अब चलिए देख लेते हैं रोलिंग एलिमेंट या फिर एंटी फ्रिक्शन बियरिंग के बारे में, ठीक। तो ध्यान दीजिए, इनमें मशीन के चल अंग तथा बियरिंग के बीच रोलिंग घर्षण होता है दोस्तों, ठीक है ना। रोलिंग घर्षण का मतलब ये है कि जब वो मतलब मोशन करता है रोलिंग में, ठीक है ना, तब इसमें क्या होता है, तब इसमें घर्षण उत्पन्न होता है जब शाफ्ट जो है बियरिंग में रोलिंग गति करता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, रोलिंग घर्षण उत्पन्न होता है, ठीक है ना। देखिए कब, इनमें मशीन के चलंग तथा बियरिंग के बीच रोलिंग घर्षण उत्पन्न होता है, ठीक है। और ध्यान दीजिए, स्लाइडिंग की अपेक्षा, ठीक है, स्लाइडिंग की अपेक्षा रोलिंग घर्षण का मान काफी कम होता है, ठीक है। मतलब मान लीजिए जब स्लाइडिंग होता है तो उससे जो घर्षण उत्पन्न होता है तो वो जो होता है अधिक घर्षण उत्पन्न होता है, किसकी अपेक्षा, रोलिंग घर्षण की अपेक्षा, ठीक है ना। स्लाइडिंग में अधिक घर्षण उत्पन्न होता है, किसकी अपेक्षा, रोलिंग घर्षण की अपेक्षा। बोलिए इतना समझ पाए। तो ये लिखा गया है कि स्लाइडिंग की अपेक्षा रोलिंग घर्षण का मान काफी कम होता है, ठीक है दोस्तों। और ध्यान दीजिए अगला स्टेप, इसमें इन बियरिंगों में स्नेहन की आवश्यकता न्यूनतम या बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है ना। रोलिंग बियरिंग में जो होता है स्नेहन की आवश्यकता, ठीक है ना, जो स्नेहन होता है उसमें मतलब जो मतलब चिकनाहटपन होता है, ठीक है ना। स्नेहन 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 का मतलब क्या है, चिकनाहटपन, ठीक है। तो वो जो होता है इसमें बिल्कुल या न्यूनतम होती है, ठीक है ना, न्यूनतम या फिर बिल्कुल भी नहीं होती है स्नेहन की आवश्यकता, ठीक है ना, किसमें, रोलिंग बियरिंग में। ओके, और ध्यान दीजिए इनका अधिक रख रखाव भी आवश्यक नहीं होता है, ठीक है ना। इनका जो होता है मतलब रोलिंग बियरिंग का रख रखाव अधिक हमें नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए अब जो है इसे हम लोग रफ करते हैं, और अब देख लेते हैं हम सब बाल बियरिंग तथा रोलर बियरिंग को देख लेते हैं, उसके बाद उन दोनों के अंतर को भी यहीं पर देख लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसे रफ करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम सब देख लेते हैं बाल बियरिंग के बारे में, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा बाल बियरिंग जो होता है इसको पहले समझने का प्रयास कीजिए यहाँ पर, ठीक है ना, उसके बाद जो हम डायग्राम के माध्यम से बताते हैं कौन सा वायर किसे कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, अंतर तथा, ठीक है, अंतर तथा बाह्य चक्करी के बीच खांचे में कई गोलियां समान रूप से रखी होती हैं, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिए,
अंतर तथा बाल चक्करी के बीच खांचे में कई गोलियां समान रूप से रखी जाती हैं। बोलिए इतना समझ पाए और ध्यान दीजिएगा। खांचे के तल के साथ प्रत्येक गोली का बिंदु संपर्क होता है। ठीक है, क्या कह रहा है? खांचे के तल के साथ प्रत्येक गोली का बिंदु संपर्क होता है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों हम एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले हम लोग डायग्राम को देख लेते हैं। ठीक है ना, कौन सा भाग किसे कहते हैं और इसके माध्यम से तब हम लोग इसे पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो और भी अच्छे समझ में आएगा। ठीक है ना, तो चलिए ध्यान दीजिए। देखिए ये जो होता है, ध्यान दीजिए, ये जो भाग होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है, इसे बोलते हैं बाह्य व्यास। क्या बोलते हैं? बाह्य व्यास। बोलिए समझ पाए, ये क्या होता है? बाह्य व्यास होता है। ठीक है, और ध्यान दीजिए, यहां से लेके यहां तक का जो भाग होता है इसे बोलते हैं अंतःव्यास। क्या बोलते हैं? अंतःव्यास। बोलिए ये भी समझ पाए, और ध्यान दीजिए। अब जो होता है ये जो ऊपर वाला भाग होता है ये, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा ये वाला भाग दोस्तों, ये देखिए ये दिख रहा है ना, ये वाले भाग को बोलते हैं बाह्य चक्करी। ये ऊपर वाले भाग को बाह्य चक्करी बोलते हैं और ये नीचे वाले भाग को अंतः चक्करी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतः चक्करी। अंतः चक्करी इस नीचे वाले भाग को बोलते हैं। बोलिए इतना समझ पाए, उसी प्रकार इनको भी बोलेंगे। ठीक है ना, और ध्यान दीजिए, ये जो होता है ये, ठीक, इसे बोलते हैं हम लोग, ये जो दोस्तों होता है इसे बोलते हैं रिटेनर। ठीक है, क्या बोलते हैं? रिटेनर। ठीक है, ये होता है रिटेनर, और ध्यान दीजिए, और यही होता है, ये होता है गोली। ठीक है ना, क्या होता है दोस्तों? गोली बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, गोली होता है, ये होता है क्या? गोली होता है। इतना समझ पाए, तो देखिए अब इस डायग्राम के माध्यम से समझिए तो बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, ये डायग्राम को एकदम दिमाग में आप लोग रख के तब उसके बाद इसे पढ़िए, देखिए एकदम सिंपल समझ में आएगा। देखिए अंतः क्या कह रहा है? अंतः तथा बाह्य चक्करी के बीच, अंतः तथा बाह्य चक्करी के बीच खांचे में कई गोलियां समान रूप से रखी होती हैं। इसमें जो होता है कई गोलियां समान रूप से रखी होती हैं। ठीक है, कहां? बाह्य तथा अंतः चक्करी के बीच खांचे में कई गोलियां रखी होती हैं, वो भी समान रूप से। ठीक है, और ध्यान दीजिए, खांचे के तल के साथ प्रत्येक गोली का बिंदु संपर्क होता है। क्या कह रहा है? खांचे के तल के साथ प्रत्येक गोली का बिंदु संपर्क होता है। देखिए खांचे के जो बीच में है इसमें जो होता है प्रत्येक गोली, क्या होता है? प्रत्येक गोली का जो बिंदु होता है वो संपर्क में होता है। ठीक है, और ध्यान दीजिए, प्रत्येक गोली को अपने स्थान पर बनाए रखने के लिए, ठीक है, मतलब प्रत्येक गोली को जो है अपने स्थान पर, मतलब यहाँ बनाए रखने के लिए, मतलब ये ताकि स्थिर रहे, मतलब इधर उधर ना होके, यही कहा जा रहा है कि प्रत्येक गोली को अपने स्थान पर बनाए रखने के लिए रिटेनर का प्रयोग करते हैं। मतलब ये जो रिटेनर होता है ये, ठीक है ना, दोनों तरफ पे रिटेनर होता है, इससे क्या होता है? ये गोली स्थायी रूप से अपने स्थान पर बनी रहती है। ठीक है, जिससे इधर उधर नहीं होती है, इसके लिए क्या करते हैं? रिटेनर का प्रयोग करते हैं। इतना समझ पाए, और ध्यान दीजिए, अंतर चक्करी शाफ्ट के साथ क्या कह रहा है? अंतः चक्करी शाफ्ट के साथ, देखिए ध्यान से, और कहा जा रहा है जबकि बाह्य स्थिर खांचे में फिट कर देते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, यह क्या कह रहा है कि जो अंतः होता है वो चक्करी शाफ्ट, ठीक है, मतलब चक्करी शाफ्ट के साथ, देखिए अंतः चक्करी जो होता है ये शाफ्ट के साथ, ठीक है, ये जो अंतः चक्करी होता है इसको जो शाफ्ट के साथ, ये देखिए ये शाफ्ट होता है, ठीक है, यही होता है शाफ्ट ऐसे, ठीक है, ये देखिए इस शाफ्ट के साथ, इस शाफ्ट के साथ जबकि बाह्य स्थिर ढांचे में फिट कर देते हैं, जबकि बाह्य स्थिर ढांचे में फिट कर देते हैं। बोलिए इतना भी समझ पाए, और ध्यान दीजिए, ये रेडियल तथा कम परिमाण के अक्षीय तथा थ्रस्ट भार भी सहारने हेतु प्रयुक्त तो होते हैं, मतलब प्रयोग के लिए करते हैं इनको। ठीक है ना, देखिए रेडियल तथा कम परिमाण के लिए, ठीक है ना, मतलब रेडियल तथा कम परिमाण, रेडियल मतलब त्रिज्या वाला वही जो होता है, ठीक है ना, वही उसे रेडियल कहते हैं। ये रेडियल तथा कम परिमाण के अक्षीय तथा, ठीक है, थ्रस्ट भार भी सहारने हेतु तो इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे
आ भी सकता है, इसलिए इसको जो है आप लोग बेहद अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल इतना ही लिख कराएंगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा इसमें, ठीक है ना। और इस प्रकार से आप डायग्राम बना देंगे। बोलिए दोस्तों इतना समझ पाए, तो चलिए इसे भी हम लोग रफ करते हैं और देख लेते हैं रोलर बियरिंग के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम सब रोलर बियरिंग के बारे में, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए रोलर बियरिंग होता क्या है, ठीक है। डायग्राम के माध्यम से भी देखेंगे और ऐसे भी देखेंगे, ठीक है, साथ में, ताकि अच्छे समझ में आए। अब ध्यान दीजिए, देखिए पहला स्टेप इसमें यह है कि अंतः चक्री के खांचों में बेलन रखे जाते हैं, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, अंतः चक्री के खांचों में बेलन रखे जाते हैं। और ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए ये इतना भाग जो है ये अंतः चक्री का भाग, ठीक है ना। ये क्या है, अंतः चक्री का इतना भाग होता है, ये ऊपर वाला बाह्य चक्री होता है, ये अंतः चक्री होता है, ठीक है ना। देखिए अंतः चक्री में क्या है, एक बेलन रखा जाता है। देखिए यहाँ पर बेलन रखा गया है ना अंतः चक्री के अंदर, वही चीज कहा जा रहा है अंतः चक्री के खांचे में बेलन रखे जाते हैं जबकि बाह्य चक्री समतल होती है। देखिए जबकि बाह्य चक्री क्या है, समतल होती है, ठीक है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं रहता है, ओके। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इसी प्रकार कहेंगे कि अंतः चक्री में इतना जान लीजिए इतना भाग किसका है, अंतः चक्री का है, ठीक है। तो अंतः चक्री में बेलन रखे जाते हैं जबकि बाह्य चक्री समतल होता है, ये इतना समझ पाए। अब ध्यान दीजिए दूसरा स्टेप है कि बाह्य चक्री स्थिर रहती है, क्या होता है, जो बाह्य चक्री है ये समतल है, इसी की वजह से क्या रहेगा, स्थिर रहेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई अन्य चीज नहीं है कि ये गति करेगा, ठीक है ना। इसे क्या होगा, बाह्य चक्री स्थिर रहेगा तथा जबकि अंतः चक्री शाफ्ट के साथ घूमती है, ठीक है ना। जबकि अंतः चक्री जो होता है ये बेलन लगा होता है, ये क्या हुआ, ये शाफ्ट के साथ घूमता है, ठीक है ना। तो ऐसे कहेंगे कि बाह्य चक्री जो होती है ये स्थिर होती है और अंतः चक्री जो होता है ये शाफ्ट के साथ घूमती है। बोलिए इतना समझ पाए। अब ध्यान दीजिए, ये बियरिंग बिना रिटेनर वाली होती है, ठीक है, जो ये बियरिंग होती है मतलब रोलर बियरिंग जो होती है इसमें जो है रिटेनर नहीं लगी होती है, ठीक है। आप लोग जानते हैं रिटेनर कैसे लगाया जाता है, आपको बताया है बाल बियरिंग में कैसे लगाता है, इस प्रकार से लगाता है ना। इसमें जो है रिटेनर का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि रिटेनर का प्रयोग वहां पर होता है जहां पर अस्थाई चीज रोकी जा सके, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर रिटेनर लगेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो है ये शाफ्ट घूमेगा नहीं, ठीक है ना, इसलिए इसमें क्या होता है रिटेनर का प्रयोग नहीं किया जाता है इस बियरिंग में, ठीक है। बोलिए इतना भी समझ पाए। अब ध्यान दीजिए, ये रेडियल के साथ साथ थोड़ी अक्षीय भार भी सहती है, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये रेडियल के साथ साथ थोड़ी एक्सियल लोड भी सहती है, ठीक है ना। बोलिए भी समझ पाए। अब ध्यान दीजिएगा, परंतु अधिक अक्षीय भार के लिए टेपर रोलर बियरिंग प्रयुक्त तो होती है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, परंतु अधिक अक्षीय भार के लिए कौन सा, देखिए टेपर रोलर बियरिंग प्रयुक्त होती है मतलब अच्छी होती है, ठीक है ना। जब हमें अधिक अक्षीय भार की जरूरत होती है तो उसके लिए क्या होता है, रोलर बियरिंग प्रयोग किया जाता है। बोलिए इतना समझ पाए, टेपर रोलर बियरिंग प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए यही था रोलर बियरिंग के बारे में, ठीक है। ऐसे आप लोग डायग्राम बना लीजिएगा और इसको जो है देखिए दोस्तों, ये नीचे वाला भाग होता है जो ना, ये जो भाग लगता है ये रेडियल होता है और जो ये ऊपर वाला भाग होता है ये, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए, इसे कहते हैं अक्षीय भार। क्या बोलते हैं, अक्षीय भार, ठीक है, ध्यान दीजिए अक्षीय भार। देखिए ये क्या हो गया था ना, ये रेडियल के साथ साथ थोड़ी अक्षीय भार भी सहती है, देखिए थोड़ी अक्षीय, रेडियल के साथ साथ थोड़ी अक्षीय भार भी सहती है, और परंतु अधिक अक्षीय भार के लिए टेपर रोलर बियरिंग प्रयुक्त होती है, ठीक है ना। अधिक अच्छी जब भार में प्रयोग करना होता है उसके लिए क्या होता है, टेपर रोलर बियरिंग का प्रयोग करते हैं वहां पर, ठीक है ना। बोलिए इतना समझ पाए, तो चलिए इसे जो हम लोग रफ करते हैं और अब देख लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है रोलर बियरिंग तथा बाल बियरिंग में अंतर, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं हम सब बाल बियरिंग तथा रोलर बियरिंग में अंतर के बारे में, ओके। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए पहला इसमें यह होगा कि बाल बियरिंग में दो चक्करियों के बीच गोलियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, जबकि रोलर बियरिंग में बेलन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों हम आपको
बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग पहले बता दिए, ठीक है, ताकि इसे समझने में आपको बहुत आसानी हो और ये आपको पूरा अच्छा समझ में आ जाए, ठीक है ना। देखिए ना सर, तो और क्या जाएंगे, देखिए एक बार और देख लेते हैं। देखिए बॉल बियरिंग में दो चक्करियों के बीच गोलियों का प्रयोग किया जाता है, जबकि रोलर बियरिंग में बेलन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए, इस बियरिंग में दोनों चक्करियों के बीच गोलियों का बिंदु संपर्क होता है, ठीक है, इस बियरिंग में, जबकि रोलर बियरिंग में, ठीक है, दोनों चक्करियों के बीच लगे रोलर का चक्करियों से रेखीय संपर्क होता है, ठीक है, मतलब अक्षीय संपर्क होता है, ठीक है। बताना आपको कि इस बियरिंग में दोनों चक्करियों के बीच लगे हुए रोलर का चक्करियों से अक्षीय संपर्क होता है, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, इनका प्रयोग कम भार के स्थानों पर किया जाता है, किनका, बॉल बियरिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ पर कम भार के स्थानों पर इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए, रोलर बियरिंग वहाँ प्रयोग किया जाता है जहाँ पर उच्च भार सहन करना होता है, ठीक है, मतलब इनका उपयोग उच्च भार के स्थानों पर किया जाता है। बोलिए इतना समझ पाए। अब देखिएगा ध्यान से, इन बियरिंगों में रिटेनर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये आपको बताया है कि बॉल बियरिंग में क्या होता है, रिटेनर का प्रयोग किया जाता है जिससे वो अंग जो स्थायी रूप से बने रहे, ठीक है, मतलब इधर उधर ना हो, मतलब स्थायी हो। और ध्यान दीजिए, रोलर बियरिंग में क्या होता है, इन बियरिंगों में रिटेनर का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि उसमें शाफ्ट घूमता है, ठीक है ना, इतना ध्यान दीजिएगा। और ध्यान दीजिए, इस बियरिंगों की दोनों चक्करियों में खांचा बना होता है, क्या होता है, इस बियरिंग की दोनों चक्करियों में खांचा बना होता है, ठीक है दोस्तों, मतलब बाह्य और अंतर चक्करियाँ, ठीक है ना, उनमें खांचा बना होता है, जबकि रोलर बियरिंग में केवल अंतर चक्करी में ही खांचा बना रहता है क्योंकि उसमें ही बेलन लगाया जाता है, ठीक है ना। बोलिए इतना समझ पाए। आई होप दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ गई। तो चलिए इससे जो हम लोग रफ करते हैं, अब जो लास्ट मतलब दो टॉपिक इस लेक्चर में और देख लेते हैं, जो कि है साधारण बियरिंग के सीमा और साधारण बियरिंग के लाभ के बारे में, ठीक है, उसके बाद ये लेक्चर हम लोग समाप्त करेंगे, उसके बाद अगले लेक्चर में जो है इससे पूरा पूरा इस चैप्टर को कवर कर लेंगे, ठीक है, ताकि ज़्यादा बड़ा लेक्चर ना हो और आपको बोर फील ना हो, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों अब हम सब देख लेते हैं साधारण बियरिंग के लाभ और देख लेंगे साधारण बियरिंग की सीमा या फिर लाभ मतलब हानि के बारे में, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले साधारण बियरिंग के लाभ को देख लेते हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए डिफिनेशन के तहत देखिए क्या कर रहा है, ठीक है, इसमें सबसे पहला स्टेप ये है कि प्रारंभिक लागत तथा क्रिया के अंतर्गत शोर जो होता है वो कम होता है, ठीक है ना। देखिए जो ये मतलब इसका कहने करती है, जो प्रारंभिक लागत इसमें आती है साधारण बियरिंग में और क्रिया के अंतर्गत इसमें जो शोर उत्पन्न होता है वो कम होता है, ठीक है। बोलिए इतना समझ पाए। और ध्यान दीजिए दूसरा स्टेप ये है, क्रिया के अंतर्गत घर्षण भी इसमें कम होता है, ठीक है ना, मतलब जब ये कार्य करता है साधारण बियरिंग तो इसमें जो है घर्षण कम उत्पन्न होता है। बोलिए ये भी समझ पाए। और ध्यान दीजिए, संघट्र तथा कंपन भारों को सहारा भी जा सकता है, किसके द्वारा, साधारण बियरिंग के द्वारा जो है इसमें जो है कंपन भार तथा संघट्र भार मतलब बहुत अधिक भार और तथा कंपन भार जो है इसके द्वारा सहारा जा सकता है साधारण बियरिंग के द्वारा। बोलिए इतना समझ पाए। और ध्यान दीजिए अब देख लेते हैं हम सब साधारण बियरिंग की सीमाएं, ठीक है दोस्तों, यही इतने तीन स्टेप थे जो साधारण बियरिंग के लाभ थे, ठीक है ना, इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। ये देखिए छोटा मैं आपको लिखा है इसलिए अब बिल्कुल एक बार पढ़ेंगे उसको याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए आप देख लेते हैं साधारण बियरिंग की सीमाएं और लाभ मतलब हान के बारे में, ओके। तो ध्यान दीजिए इसमें सबसे पहला स्टेप ये है कि चालू करते समय घर्षण हान अधिक होता है, ठीक है, साधारण बियरिंग में क्या होता है जब चालू करते हैं तब इसमें जो घर्षण हानि होता है वो सबसे अधिक होता है, ठीक है ना, चालू करते समय। और ध्यान दीजिए चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं दूसरा स्टेप, ठीक है, तो ध्यान से देखिए, स्नेहक का खर्च कम होता है तथा इसकी देखरेख में जो है देखरेख की आवश्यकता भी क्या होती है, लगातार देखरेख की आवश्यकता तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं दूसरा स्टेप, वो ये है कि स्नेहक का खर्च इसमें जो होता है मतलब साधारण बियरिंग में स्नेहक का खर्च जो होता है वो अधिक होता है, ठीक है, क्योंकि स्नेह जो होता है चिपचिपापन मतलब, ठीक है ना,
इसके प्रयोग से क्या होता है, इसी के प्रयोग से जो घर्षण होता है वो कम उत्पन्न होता है, ठीक है ना। देखिए घर्षण उत्पन्न तब होता है जब मतलब हम लोग चालू करते हैं सर्वाधियम को, तभी अधिक होता है, ठीक है। उसके बाद जो है कम होता है किसके कारण, स्नेह के कारण ही कम होता है घर्षण, ठीक है। इतना ध्यान दीजिए। और ये और इसकी जो है मतलब सलाह दिए की जो है देख रेख बहुत ही आवश्यक होती है, ठीक है। तो इतना समझता है, देखिए लिखा है स्नेह का खर्च अधिक होता है तथा लगातार देखभाल भी आवश्यक है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए तीसरा स्टेप है बियरिंग की अधिक लंबाई आवश्यक होती है, ठीक है दोस्तों। क्या है तीसरा स्टेप, बियरिंग की अधिक लंबाई आवश्यक होती है, मतलब जो साधारण बियरिंग होती है इसकी लंबाई अधिक होती है ताकि इसमें जो है कितना बड़ा शाफ्ट जो है प्रयोग किया जा सके, ठीक है। मतलब मशीन का कोई भी गतिमान अंग जो है बड़ा से बड़ा भी प्रयोग किया जा सके, इसी की वजह से इसे क्या करते हैं बियरिंग को है अधिक लंबाई में बनाते हैं ताकि उसकी जमीन से लेकर जो गतिमान अंग होता है उसकी हाइट भी कुछ ज़्यादा रहे, ठीक है ना। इतना ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों क्या बोलेंगे, बियरिंग की अधिक लंबाई आवश्यक होती है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए चौथा स्टेप ये है दुर्लभ, दुर्लभ मतलब आसान होता है दोस्तों, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। दुर्लभ पदार्थ जैसे, ठीक है, बबित तथा खांचा होता है, ये दो प्रकार के जो पदार्थ होता है दोस्तों, ठीक है ना, जिसका नाम एक होता है बबित दूसरा होता है खांचा, ठीक है ना, कांसा होता है, बबित तथा कांसा आदि प्रयोग करते हैं दुर्लभ पदार्थ के रूप में, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं दुर्लभ पदार्थ के रूप में बबित तथा कांसा का प्रयोग करते हैं। बोलिए इतना भी समझ पाए, आई होप दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। और दोस्तों इस सभी जितना भी पढ़ा है उसे अच्छे से आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जितना भी स्टेप आपको लिखा है इससे हट के इतना समझ लीजिएगा, हम जितना भी लेक्चर आपको दिए हैं अभी तक और जितना भी चैप्टर पढ़ा है उसके अंतर्गत जितना भी क्वेश्चन बताए उससे हट के उस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और दोस्तों यदि इससे मतलब पिछले जितने भी चैप्टर हैं उतना यदि आपका तैयार है तभी भी ये समझ लीजिए आपका 60-70% अच्छे से तैयार हो गया है, ठीक है ना। तो दोस्तों इस लेक्चर में बस इतना ही रहेगा, ठीक है ना, और जो भी टॉपिक बचते हैं उसे हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे ताकि ये लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों अच्छे से पढ़ते रहिए, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।